ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ था सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहला फर्स्ट नंबर में साक्षात्कार किस किस का हुआ? किस किस का हुआ? पहले पहले साक्षात्कार हुआ उनको स्वर्ग का, लाइट का, विष्णु का, कृष्ण का, सफेद पोष का। समझ कुछ नहीं पाए, मुझ गए। अपने गुरु से पूछा, कुछ जवाब नहीं मिला। फिर भटकने लगे। सत्संगी दूसरे बच्चों ने समझा कि बाबा को भगवान मिल गया, बाबा में भगवान ने प्रवेश कर लिया। अब साक्षात्कार को ये थोड़े ही कहेंगे भगवान ने प्रवेश कर लिया। प्रवेश होना अलग बात है और साक्षात्कार होना अलग बात है। तुलसीदास को, रैदास को, सूरदास को, मीरा को साक्षात्कार हुए, क्या उनमें भगवान ने प्रवेश कर लिया? तो ऐसे ही धुक्का मार के कह दिया कि ब्रह्मा बाबा में भगवान ने प्रवेश कर लिया सिंध हैदराबाद में। और दुर्गा माता को भी कृष्ण दिखाते हैं और शंकर को भी दिखाते हैं, इसका बेहद का रहस्य क्या है? शंकर को क्या दिखाते हैं? त्रिशूल। त्रिशूल का मतलब है उनके बुद्ध रूपी हाथ में तीन देवताओं का पूरा ज्ञान है, ब्रह्मा का, विष्णु का और शंकर का। तीनों के रास्ते अलग अलग होते हुए भी तीनों एक स्थान पर जाकर मिल जाते हैं। त्रिशूल में तीन शूल होते हैं, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, एक बीच में जाता है और नीचे नीचे इकट्ठे हो जाते हैं तीनों। तो सृष्टि के आदि में भी इकट्ठे हैं, द्वापर युग से रास्ते अलग अलग हो गए। कोई ब्रह्मा के फॉलोअर्स बन गए ब्रह्म समाजी, कोई विष्णु के फॉलोअर्स बन गए वैष्णवपंथी, वैष्णव संप्रदाय, कोई शंकर के फॉलोअर बन गए शैव संप्रदाय। फिर बाबा आते हैं अंत में, अकेले आते हैं कि तीन बच्चों के साथ आते हैं? तीनों के साथ साथ आते हैं। फिर शूटिंग शुरू होती है, फिर अलग अलग हो जाते हैं। तो हाथ में त्रिशूल दिखाया हुआ है, एक तीनों का ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। तीनों अलग अलग नहीं है। अभी शूटिंग पीरियड में बेसिक में और एडवांस में अलग अलग कर दिया कि एक हैं? है एक हैं, अलग अलग कर दिया है। और बाबा मम्मी बाबा लड़ाई होगी, चीन जापान सैन हुई भने असर क्या बाबा? चीन जापान की लड़ाई नहीं हो गई, चीन जापान सैन हुई। हाँ, सैन हुई है, सैन हुई। क्या कहते हैं? सैन, सैन। मम्मा बाबा लड़ाई हुई,
चीन जापान को चयन हुई, चीन जापान को चयन मिला, ब्रह्मा बाबा की लड़ाई हुई और चीन जापान को चयन मिला। चीन जापान को चयन कहाँ मिलता है? मम्मा और बाबा की यज्ञ के आदि में लड़ाई हो गई, बाबा था शिव बाबा राम वाली आत्मा के थ्रू और ब्रह्मा बाबा था कृष्ण वाली आत्मा, झगड़ा हुआ यज्ञ के आदि में तो जापान में विस्फोट हो गया कि चैन मिल गया, विस्फोट हो गया। स्व कल्याण से विश्व कल्याण और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे हो? हमारी आत्मा का परिवर्तन हो जाए, अर्थात हमारी आत्मा जो अभी असुर बन गई है वो देवता बन जाए, तो पहले देवता बनेगी या देवता बनने से पहले दुनिया का विनाश होगा? है? हाँ, तो एक आत्मा सुधरेगी माने सारा विश्व सुधरेगा। हर एक आत्मा के सुधरने का रहस्य है, हर आत्मा में एक दुनिया समाई हुई है, हर स्टार में एक दुनिया समाई हुई है। स्टार सुधरा जैसे सारी दुनिया सुधर गई, और बाबा हाथ में 84 रत्न दिखाते हैं, इसमें 9 रत्न विशेष हैं। 9 रत्न की लोग अंगूठी पहनते हैं, वैसे 84 रत्न हैं टोटल। हाँ, उसका व्यय का 84 घंटों की देवी सुनिए, 84 घंटों की देवी 12 सत्य 84। सूर्यवंशी नारायण तो दो ही हैं, संगमयुगी और सतयुगी, बाकी जो 7 नारायण हैं वो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं उनके 12-12 के ग्रुप हैं, 12 सत्य 84 को देवी के घंटे हैं, नारायण के घंटे नहीं हैं। तो वो 84 रतन अलग और असली 9 रतन। हाँ, भावेश्वर मान बाबू ने मतलब एडवांस पार्टी अंदर जाकर सेवा किया, तो नई बात क्या है? ये तो बाबा पहले से बोलते चले आ रहे हैं कि सच्चाई सर पे चढ़ के बोलेगी। कोई कुछ नहीं कर सकेगा फिर, तो वही हो रहा है, अभी शुरुआत है, आगे चल के जोर शोर से होगा। और निश्चय पत्र भरा, उसमें ये भारतीय गए में इंडियन मंजूरी से इसका अपनी लिखा था निश्चय पत्र में, जो भाई ने पत्र ठीक करके आया ना उन्होंने, मैंने वहां निश्चय पत्र भरा तो उसमें लिखा था निश्चय पत्र इंडियन जुडिशियरी के आप संपत्र भरा था, भारतीय जो जुडिशियरी है वो तो दूसरों को दिखा, सरकार के लोगों को दिखाने के लिए, कोई जरूरी नहीं है वो निश्चय पत्र भरवाना। लेकिन
सरकार कोई कागज को तब तक नहीं मानती जब तक वो स्टाम्प पेपर के ऊपर न हो, सादा कागज को मानेगी नहीं, इसलिए स्टाम्प पेपर पर लिखवा दिया जाता है। और आप अभी बौद्धी और क्रिश्चियन हिंदू धर्म, हिंदू धर्म बौद्धी और क्रिश्चियन हिंदू में एक शब्द क्या है, कन्वर्शन नहीं हुआ, कन्वर्शन होने वाले कन्वर्शन हो रहे हैं, एक क्या हो रहा है ये दान पुण्य ज्यादा पंडित लोग बहुत खराबी हिंदू उसमें कर रहे हैं, इसके वास्ते बौद्धिक परंपरा अनुसार दान कर रहा है, उसका हिसाब किताब कन्वर्शन तो नहीं है, बौद्धि कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे, जैसे कि अब कोई शरीर छोड़ रहा है हाँ, अब उसका दान पुण्य करने के लिए ये हिंदू में इतना मारामारी हो गया कि बहुत मुश्किल करने लगे, ये देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा, पंडित तो कर रहे हैं हाँ। अभी लोकी दुनिया में हो रहा है, पंडित लोग बहुत तंग करते हैं हाँ। हमको ये दो पंडित को मांग रहे हैं, ये शूटिंग कहाँ होती है, मांगते बहुत दुनिया में जो भी हो रहा है वो सब बातों की शूटिंग तो हम ब्राह्मण ही करने वाले हैं, ये भक्ति मार्ग की सारी बातों की शूटिंग भी हम करते हैं, वही बात ये 84 घंटे हैं भक्ति मार्ग की शूटिंग करने वाले, सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं 12 × 24, वही ज्ञान मार्ग की शूटिंग करने वाले हैं, मतलब ठीक है लेकिन कन्वर्शन हो गया तो हिसाब किताब बनता है हाँ, लेकिन ये चलन थोड़ा आ रहा है कि वो दान पुण्य हिंदू के किस्म के नहीं कि बोधि में वो नहीं है, बोधि के प्रोसेस अनुसार करने लगे कन्वर्ट तो नहीं हुआ, आज के बुद्धिस्ट लोग कर रहे हैं, इसका कहना मतलब भाई बुद्धि अब बुद्धि आज जो बुद्ध धर्म को मान रहे हैं हाँ। भाई मजबूरी से ये पंडित लोग खराब कर रहे हैं, इसीलिए बुद्ध धर्म में वैसा नहीं है, बुद्ध धर्म में नियम नहीं है दान पुण्य करने का भाई का अच्छा, नहीं है अभी जो शरीर धारी बैठा बौद्धिस्ट जो साधु होते हैं उन्होंने अपना सारा जीवन विश्व कल्याण के लिए नहीं दिया, वो दान नहीं है, नहीं भाई नहीं नहीं मेरा मतलब है मैंने शरीर छोड़ा हाँ, जो मेरे लिए जो शरीर छोड़ने से जो दान ने बौद्ध धर्म में और क्रिश्चियन धर्म में जो हिंदू का ये पंडित को बदमाशी करके जो देते हैं उनमें नहीं लेता हाँ, इसलिए उस मार्ग में फॉलो करने लगे हिंदू वाले कन्वर्ट नहीं हो रहे, वो अज्ञानता की बात है ना सारी बाबा, कोई हिसाब किताब बनता है या वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो हिंदुओं में शरीर छोड़ने के बाद हाँ, जो दान पुण्य होता है ना हाँ, वो हिंदू बौद्धिस्ट और क्रिश्चियंस के अनुसार कर रहे हैं कन्वर्ट करने लगे लेकिन दान पुण्य उनके हिसाब से करने लगे उनमें नहीं है। उनके हिसाब से किसको करते हैं, जैसे हिंदुओं में तो पंडित को देते हैं महाब्राह्मण को देते हैं, बौद्धि किसको देते हैं, बौद्धि लोग को क्या करते हैं घर में बुलाकर एक प्रेयर कर देते हैं, अथवा क्रिश्चियन लोग के वहाँ घर में जाएंगे एक बार प्रेयर शांति का प्रेयर कर देते हैं और वहाँ डोनेशन भी जितना देना था वो तब तो देना नहीं था, माने हिंदू पंडित तो ऐसा कर रहे हैं आजकल जो क्रिश्चियन चर्च में जा रहे हैं उन लोग को जाके उस चर्च में ठगते हैं, बौद्धियों में ठगी नहीं चल रही है, नहीं नहीं बुद्धिस्ट लोग नहीं ठगते हैं, जैसे मेरा रिलेटिव उसका शरीर छोड़ा उसने क्या बोला कि हिंदू धर्म में इसे ठगते हैं, तुम हिंदू धर्म का कुछ भी मत करो खाली बुद्धिस्ट को बुला के खिलाते बस, लेकिन बुद्धिस्ट भी जो करते हैं प्रेयर वगैरह करते हैं वो प्रेयर से कोई फायदा है,
नहीं बाबा ये पूछना चाह रहे हैं, कारण पूछना चाह रहे हैं कि वो कन्वर्ट तो नहीं हुए लेकिन उन्होंने रीति रस्म दूसरे धर्मों का फॉलो किया ना, उसका हिसाब किताब क्या है अगले जन्म में फिर, मतलब जैसे उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद बुद्धिस्ट धर्म के हिसाब से करना है, तो शरीर छोड़ने के बाद क्या वो बुद्ध धर्म में जन्म लेंगे? बिल्कुल चलेंगे, कन्वर्ट होने जैसा हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो गए ना, वो भी पूछ रहे हैं बाबा कन्वर्ट हो गए तो दासी दास बन जाएंगे, दास दासी दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होता है वो तो नीचे ही जाता है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्शन ही है ना, हाँ वही 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 बात बोल रहे हैं, बच्चे बच्चे शरीर छोड़ा उसको पहले कर दिया जिसका मतलब कन्वर्ट हो गया शरीर रहते हुए, वास्तव में शरीर छोड़ने के बाद कुछ उस आत्मा का होता नहीं है, जिसने शरीर छोड़ दिया वो तो गया, उसके पीछे कुछ भी ना करो तो भी वो अपने रास्ते पे जाएगा, हाँ जो 13 दिन का जो करते हैं वो सब अंधश्रद्धा के आधार पे होता है, वो नहीं करके बुद्ध धर्म में आए थे वो करना जरूरी नहीं है, लेकिन बुद्ध धर्म का फॉलो हो गया तो समझते हैं ऐसा, असली बात तो बाबा ने आके बता दी, ये चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, जो रिचुअल्स चलते हैं ये सब भक्ति मार्ग है, असली रास्ता तो कोई भी नहीं जानता, बाप आकर के बताते हैं कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद तुरंत जाके दूसरी जगह जन्म ले लेती है, उसके पीछे से दान पुण्य आदि करना सब बेकार, लेकिन एक बात ये है कि जो दान पुण्य नहीं करने से जो भक्ति मार्ग वाले हैं हम तो समझते हैं उन लोगों को भक्ति से निकल नहीं पा रहे हैं, वो दान पुण्य करेंगे, बौद्ध ही लोग निकल पा रहे हैं, इसके तुलना वो अपने तरीके से लगे हुए हैं भक्ति में, क्रिश्चियन लोग अपने तरीके से भक्ति में लगे हुए हैं, सब अंधश्रद्धा के आधार पर चल रहे हैं, तो बिना अंधश्रद्धे से वो लगे हुए हैं, हम श्रद्धे से लगे हुए हैं, हम श्रद्धे से लगे हुए हैं, अंधश्रद्धा से सब लगे हुए हैं, तुलना किसकी किसकी अंधश्रद्धा कम किसकी अंधश्रद्धा ज्यादा, भारतवासी ज्यादा अंधे बन जाते हैं जिन्हें हिंदू कहा जाता है, कन्वर्शन माना जाए क्या उसमें, ये थोड़ा कन्वर्शन हो या ना हो नीचे तो दोनों गिर रहे हैं, बौद्धियों की तो राजाई बहुत पहले से चट हो गई, असली बात तो राजा ही की है ना, स्वतंत्र रहने की है, स्वाधीन रहने की है, वो स्वाधीन रहना तो बाबा ने आकर के सिखाया, और हर धर्म में राजा ही चली है, बौद्धियों की राजा ही पहले खत्म हो गई, कारण क्या हुआ, बौद्धियों में विविचार पनप गया बहुत जोर से, जब से बौद्ध स्तूप बने, बुद्ध विहार बने, भाई लोग और कन्याएं माताएं सब इकट्ठे रहने लगे, वो विविचार के कारण उनकी राजाई सफाचट हो गई, और आज की दुनिया में अंत में आकर तो सारी दुनिया में राजाई खत्म हो गई, अभी एक भूटान को छोड़ करके राजाई कहां रह गई, है राजाई, मैं सिनोमोनियल चिन्ह मानता है राजाई को, हालांकि राजाई नहीं है लोगों की उसको, लेकिन पार्लियामेंट की तरफ से उसको अलंकारिक राजा रानी मानता हूं, जैसे फॉर्म दिस फॉर्म में लूगा, फिर फायदा क्या हुआ,
तो राजा ही सारी दुनिया में जब खत्म हो जाती है तब बाप आकर के राजा ही स्थापन करते हैं। वो राजा ही पाने वाले सूर्यवंशी बच्चे हैं। और उस राजाई में ही सुख शांति है जो बाप आकर के स्थापन करते हैं। सारी दुनिया कन्वर्ट हो गई। देवी देवता सनातन धर्म का कौन बचा? कोई है देवी देवता? तो सारे ही कन्वर्ट हो गए ना। है अब बाप आकर के फिर से राजा स्थापन करते हैं, सनातन धर्म स्थापन करते हैं। ऐसी राजा स्थापन होती है जिसमें अनुशासनहीनता का नाम निशान नहीं, सब अनुशासित हो जाते हैं। तरीका क्या बताया? अनुशासित होने का तरीका क्या बताया? अरे हम आत्मा हैं। हम क्या हैं? आत्मा हैं, देह नहीं है। आत्मा समझने से साफ धर्म खत्म। रूहानियत की धारणा शुरू। जब दुनिया का विनाश होता है, जिन्होंने इस धर्म को स्वीकार कर लिया कि हम आत्मा हैं, वो सुरक्षित हो जाएंगे। और बाकी सभी के लिए भय व्याप्त है इस दुनिया में। भयभीत होकर के मर जाएंगे। हाय हाय करके मर जाएंगे। तो बाप आकर के रूहानियत में कन्वर्ट कर रहे हैं। बाकी तो सब हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, ये सब देह के धर्म है। देहदारी धर्म पिताओं के द्वारा स्थापन किए हुए हैं। देह समझने थे सब नीचे गए। देव द्वापर युग से कलयुग के अंत आने से पहले मतलब जो सनातन धर्म की आत्मा है ना, सब युग से मतलब जो आ रही है, तो किस रूप में उनका संस्कार होता है, मतलब किस तरह दिखाई पड़ते हैं जो सनातन धर्म की आत्मा होती है द्वापर युग से? इधर सब नीचे गिर गए, सब प्रभावित हो गए दूसरे धर्मों से। कोई भी तो नहीं बचा, सब रावण संप्रदाय हो गए। बाबा ने आज मुरली में बोला कि मृत्यु लोक में नहीं जाते तो जरूर अमर लोक में जावेंगे। वो हम बच्चों की बात बताई, दुनिया वालों की नहीं।
वो तो यात्रा करते हैं फिर लौट के घर आ जाते हैं, लेकिन हमारी यात्रा कैसी है? हमारी ऐसी रूहानी यात्रा है कि हम इस मृत्यु लोक में वापस नहीं आवेंगे परम धाम से। कहां आवेंगे? अमर लोक में आवेंगे। और दूसरे धर्म वाले कहां वापस आवेंगे? वो मृत्यु लोक में ही आवेंगे द्वापर युग से। भक्ति मुर्दाबाद मुरली में आता है, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद, फिर बताते हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा भक्ति होती है उतना ही ज्ञान उठावेगा, परंतु भक्ति एक जन्म की है या अनेक जन्मों की है? अनेक जन्मों की भक्ति है। और ज्ञान? ज्ञान एक जन्म का है। तो अनेक जन्मों की भक्ति में तो नीचे गिरना हुआ, और ज्ञान में एक ही जन्म में ऊपर उठ जाते हैं। ज्ञान एक से आता है और भक्ति अनेकों से आती है, ये राज है। बेसिक में और एडवांस में शिव को ही मानते हैं तो फिर खास फर्क क्या है? अरे बेसिक में भी शिव को मानते हैं, लेकिन शिव माने बिंदी। वो क्या समझते हैं? शिव माने बिंदी। और एडवांस में? एडवांस में शिव को मानते तो हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि वो बिंदी बन करके ही रहता है, बिंदी बन करके ही ज्ञान सुना के चला जाता है। एडवांस में मानते हैं कि वो ज्ञान सुनाने के बाद भी स्वर्ग स्थापन करके जाता है, स्वर्ग की राजधानी स्थापन करके जाता है, प्रैक्टिकल में साकार में रहता है। बेसिक में ये नहीं मानते कि वो साकार में इस दुनिया में रह करके स्वर्ग स्थापन करके जाता है। वो क्या समझते हैं? ज्ञान सुना के ब्रह्मा बाबा में भी चला गया, अब स्वर्ग हम स्थापन करेंगे। अरे 2500 वर्ष में इन मनुष्य गुरुओं ने स्वर्ग स्थापन कर पाया कि और ही नरक बनाया है? ये मनुष्य आत्माएं जो भोगी है, भोग भोगने वाली है, स्वार्थी है, वो स्वर्ग बनाती है कि नरक बनाती है? नरक बनाती है। एक शिव बाबा ये है जिसको अपना रथ नहीं है, वो पराये रथ में आता है, पराये रथ में आकर के इस दुनिया को स्वर्ग बना करके जाता है, उस रथ को भी पावन बना के जाता है। ये फर्क है। असली फर्क क्या हुआ बेसिक और एडवांस का? है बेसिक में सिर्फ निराकार को ही मानते हैं, याद करते हैं, और एडवांस में निराकार को साकार में ला करके ये विश्वास पैदा कर लेते हैं कि वो निराकार साकार के द्वारा सारा कार्य कर्म करके जाता है। हाँ, चैतन्य में प्रैक्टिकल में सारा कर्म करके ही जाता है, वो ही परिवर्तन करने वाला है, वो ही करण करावनहार है, हम नहीं है। हम तो तमो प्रधान आत्माएं हैं। तमो प्रधान आत्माएं डिससर्विस करेंगी या सर्विस करेंगी? डिससर्विस ही करती है। ये भाई बोलता हम तांत्रिक लोगों के पास भी जाते हैं, उन लोग बोलता सब कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
सब कुछ हो जाए शांति शिवरात्रि में शांति आत्रे में जो जाते हैं शांति यात्रा और झंडे जो दिखाते हैं ना उसका मन क्या होता है झंडे दिखाते हैं शांति यात्रा शांति यात्रा दिखाते हैं बेसिक तो पूरे शांति यात्रा में जाते हैं उसका झंडा कुछ नहीं वो तो भक्ति मार्ग वालों को फॉलो करना शुरू कर दिया उस शांति यात्रा से कोई शांति थोड़ा ही होने वाली है अब जैसे शिवरात्रि आए उन लोग शांति यात्रा में से शांति यात्रा निकालेंगे शिवलिंग की झांकी निकालेंगे फिर वो तो भक्ति मार्ग में जो लोग कर रहे हैं वही काम वो करने लगे तो संकल्प आदि की भी झांकी निकालते उन लोग तो झांकी निकालने से कुछ होगा क्या भाषा प्रॉब्लम हाँ जो बच्चे हिम्मत करते हैं बाप दादा प्रवेश करके सर्विस कराता है हाँ ठीक बात है बच्चे जो ईश्वरीय सेवा के लिए हिम्मत करते हैं उनमें ताकत नहीं है सर्विस करने की लेकिन हिम्मत करते हैं तो बाप दादा उनको मदद कर देते हैं बाप दादा प्रवेश करके खुद सेवा करते हैं खुद आत्माओं को दृष्टि देते हैं खुद उनको ज्ञान सुनाते हैं और ज्ञान सुना करके सूरजीत कर देते ज्ञान में चल पड़ते हैं हम बच्चों में वो ताकत नहीं है कि हम किसी को उठा सकें हाँ अहंकार आ जाता है कि हमने किया बाप दादा सारा करते तो बाप दादा ही है हम तो तमो प्रधान आत्मा है हमारी तमो प्रधानता बढ़ रही है कि घट रही है बढ़ रही है जैसे 5000 वर्ष के ड्रामा में ऊपर से नीचे उतरते रहते हैं कोई ऊपर नहीं चढ़ता ऐसे ही शूटिंग पीरियड में हम ऊपर चढ़ रहे हैं कि नीचे गिर रहे हैं नीचे उतर रहे हैं हाँ हिम्मत करते हैं तो बाप दादा मदद कर देते हैं हाँ जी बाबा से मिलने के बाद भी नीचे उतर रहे हैं क्योंकि बाबा से मिले तो लेकिन निश्चय अनिश्चय का चक्कर चलता है या नहीं चलता है, है? एक बार कहा ये हमारा बाप है फिर अंदर से पैदा हो गया 10% बाप नहीं हो सकता तो सब बेकार कर दिया ना निश्चय पैदा हुआ तो 100% निश्चय होना चाहिए निश्चय में परसेंटेज नहीं होना चाहिए लेकिन माया परसेंटेज पैदा करा देती है इसलिए जीरो हाँ। ये पर्ची में लिखा है शिव बाबा को क्यों रुद्र कहा जाता है हाँ। और बाबा मुरली ने तुमको दैवी कुल मिसल बनाकर ले जाऊंगा इसका अर्थ क्या है शिव बाबा को रुद्र इसलिए कहा जाता है कि वो रौद्र माने भयंकर रूप धारण करता है तब ही सुधार होता है एक कहावत है बिना टेढ़ी उंगली किए घी नहीं निकलता तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के रूप में कितने प्यार से पढ़ाई उसका रिजल्ट क्या आया सुधरे कि और ही बिगड़े इसलिए जब बाबा धर्मराज का रूप धारण करता है विकराल रूप धारण करता है तब ही सुधार होता है और रुद्र रूप धारण करता है वो साकार में धारण करता है या निराकार में साकार में धारण करता है
निराकार में रुद्र रूप नहीं होता है, निराकार में तो उसका एक ही नाम है शिव। साकार बनता है तब रुद्र है, तब नाम पड़ता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। एक शिव बाबा ही है जो रौद्र रूप धारण करके सब विकारी धर्मों का नाश करा देता है, और धर्म वाले धर्म पिता तो रौद्र रूप धारण ही नहीं करते, और पुराने पुराने धर्मों को विनाश ही नहीं कर पाते। शिव बाबा ही रौद्र रूप धारण करके पुराने धर्मों का नाश करता है और एक सद्धर्म की स्थापना होती है। दूसरी बात क्या? दूसरा पूछा है, मुरली में तुमको देवी फूल मिसल बनाकर ले जाऊंगा, इसका अर्थ क्या है? आज की दुनिया में भी फूल होते हैं और स्वर्ग की दुनिया में भी फूल होंगे, कोई अंतर है दोनों में? है, क्या अंतर है? स्वर्ग की दुनिया के फूल से खुशबू देने वाले। क्यों, आज की दुनिया में गुलाब के फूल खुशबू देने वाले नहीं है? अब के फूल भी तो हैं। हाँ, अब के फूल भी हैं, लेकिन गुलाब के फूल भी तो हैं। तो फिर वहाँ अक नहीं होगा और यहाँ आके की संख्या ज्यादा है। यहाँ फूल हैं गुलाब के तो उसके साथ कांटे भी हैं, वहाँ गुलाब के फूल तो होंगे लेकिन साथ में कांटे होंगे ही नहीं, ये खास अंतर है। वहाँ दुख होगा ही नहीं और यहाँ दुख भी है। फूल होते हैं सुख देने वाले, सुखदाई, तो यहाँ के फूल हैं अल्पकाल का सुख देने वाले और वहाँ के फूल सदाकाल का सुख देने वाले। वहाँ कोई कांटे होते ही नहीं। पीयू की वाणी में ऐसी क्या बात होगी जिससे दीदी दादियां डरती हैं? इसे ज्ञान यज्ञ का नाम क्या दिया गया? अब समझ लो क्यों दादियां डरती हैं? है? हाँ, रौद्र रूप धारण करता है, मुरली तो वो ही है जो बेसिक में मुरली पढ़ी जाती है, वही मुरली यहाँ भी पढ़ी जाती है, लेकिन अंतर क्या है? जो यहाँ मुरली पढ़ी जाती है उससे डरती क्यों है? क्यों नहीं सुनना चाहती? दूसरों को सुनना क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि सच्चाई है और वो सच्चाई में मिर्ची लगती है। तो माँ की लोरी मीठी होती है और बाप की वाणी में करकसता है, लेकिन सच्चाई है इसलिए वो डरती है। कृष्ण को तीन पटरानियां खास दिखाते हैं, तो इनका बेहद में किस किस का पार्ट है? रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवंती। नदियां कितनी है खास? कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती। तो यमुना हो गई रुक्मिणी और गंगा हो गई सत्यभामा
और जामवंती हो गई जगदम्बा। कौन से धर्म से आती है? सिख धर्म से। जामवंती के बाप का रूप कौन सा दिखाया है? ऋषि का रूप दिखाया। कौन से धर्म की आत्माएं होती हैं जिनको शरीर पर बाल ही बाल होते हैं? सिख धर्म की आत्माएं होती हैं। बाबा सिख धर्म के लिए छोटा धर्म मानता है, सिख धर्म के लिए छोटा धर्म मानता है। क्या मानता है? छोटा धर्म को छोटा धर्म क्यों मानता है? क्योंकि लास्ट में आया है कलयुग में, और धर्म तो द्वापर युग से आए हैं, कोई सतयुग से आए हैं, कोई त्रेता से आए हैं। चंद्रवंशी त्रेता में है, सूर्यवंशी सतयुग में है, बाकी और धर्म वाले द्वापर से हैं। हिंदू धर्म और सिख धर्म में मिलता जुलता है? सिर्फ एक बात में मिलता जुलता है। सबसे पीछे वही है, आर्य समाजी तो है बाबा में। आर्य समाजी में तो सब मिक्स हैं। आर्य समाजियों ने सब धर्म वालों को आमंत्रण दे दिया, कोई भी आकर के हिंदू बन जाओ, आर्य समाजी बनो, हम हिंदू बना लेंगे। लेकिन हिंदुओं ने कभी ऐसा नहीं किया। जो एक बार कन्वर्ट हो गए दूसरे धर्म में, उनको कभी अपने में मिक्स नहीं किया, अपना खून खराब नहीं होने दिया। तो आर्य समाजी होना अच्छा, या अपने खून को मेंटेन करके रखना अच्छा? उनको ओवर कर दिया, आर्य समाजी आके पूरा ही खराब कर दिया। चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण क्यों लगता है? पहली बात, चंद्रमा तो आग का गोला नहीं है, और सूर्य आग का गोला है। तो जो आग का गोला है वो अंधेरे में आ सकता है? तो ये झूठी बात है कि सूर्य को ग्रहण लगता है। सूर्य को ग्रहण नहीं लगता, किसको ग्रहण लगता है? सिर्फ चंद्रमा को ग्रहण लगता है, और चंद्रमा के प्रभाव से जो प्रभावित होते हैं उनको ग्रहण लगता है। चंद्रमा पृथ्वी की परछाया में आ जाता है तब उसको अंधेरे का ग्रहण लगता है। अब चंद्रमा है ब्रह्मा बाबा, कन्याएं माताएं हैं धरणी पृथ्वी, तो ब्रह्मा बाबा किससे प्रभावित हो जाता है? कन्या माताओं से प्रभावित हो जाता है, तो गुलजार दादी में जाके पार्ट बजाता है। सूर्य तो बाप है, बाप कन्या माताओं से प्रभावित नहीं होता है, वो ज्ञान सूर्य है। सूर्य के प्रभाव से सारी दुनिया प्रभावित होकर के चलती है। सूर्य संसार का गुरु है, रोशनी देने वाला है, वो अंधेरे में नहीं आ सकता। तो कहते हैं कि चंद्रमा को ग्रहण लगता है, सूर्य को ग्रहण लगता है, लेकिन वो गलत बात है। जो सूर्य का पार्ट है ब्राह्मणों की दुनिया में, उसमें तो शिव बाबा प्रवेश है। जिसमें शिव बाबा प्रवेश है उस वो अनिश्चय के अंधकार में नहीं आ सकता। वो एक ही पार्ट है जो अनिश्चय के अंधकार में नहीं आता, बाकी सब अनिश्चय के अंधकार में आ जाते हैं। आज बाबा ने मुरली में कहा, तुम बीके हो,
तुमने ही भारत को स्वर्ग बनाया, तो क्या बीके वालों ने भारत को स्वर्ग बनाया? बी माने ब्रह्मा, के माने कुमार, बीके माने ब्रह्मा कुमार। अब ब्रह्मा कितने हैं? हैं? ब्रह्मा एक है या अनेक हैं? ब्रह्मा तो अनेक हो गए। तो सभी ब्रह्मा के जो कुमार हैं, सबने स्वर्ग बनाया होगा क्या? तो कौन सा ब्रह्मा है जिसके कुमार कुमारियों ने स्वर्ग बनाया? प्रजापिता ब्रह्मा है। प्रजापिता ब्रह्मा एक ही है, बाकी ब्रह्मा अनेकों के नाम है। इसलिए बोला कि तुम बीके ने स्वर्ग बनाया है। तुम बीके का मतलब क्या हुआ? सामने बोलने वाला है, सामने बैठे हैं या इधर उधर बैठे हैं? सामने बैठे हैं। तो सामने जब बोलने वाला बैठा हुआ है, वो कौन बोल रहा है? शिव बाबा बोल रहा है ब्रह्मा के द्वारा, परंतु ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो किसके द्वारा बोलता है कि तुम बीके ने स्वर्ग बनाया है? बाप की श्रीमत पर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा बोले। शिव बाप की पहचान के ऊपर अनिश्चय आया तो क्या फल होगा? शिव बाप की पहचान भूल गई, अनिश्चय आ गया कि ये शिव बाप नहीं है, भगवान नहीं है, तो दूसरों का आधार लेगा या नहीं लेगा? और जिन दूसरों का आधार लेगा वो और धर्म में कन्वर्ट कर देंगे या सूर्यवंशी बनाएंगे? हैं? और धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फल होगा। अनिश्चय आता है तो कन्वर्ट हो जाते हैं, निश्चय पक्का रहता है तो सूर्यवंशी बन जाते हैं। जो सूर्यवंशी बनेंगे वो पक्के पक्के स्वर्ग में आवेंगे। अनिश्चय आ गया तो पक्के पक्के स्वर्ग में नहीं आवेंगे, फिर उनका एक दो जन्म कम हो जाता है। जन्म कम होगा तो कमजोर नारायणों के राज्य में आवेंगे सतयुग में, या सोलह कला संपूर्ण नारायण के राज्य में आवेंगे? कमजोर नारायण के राज्य में आवेंगे। जो कमजोर नारायण होंगे वो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमको भी कन्वर्ट होना पड़ेगा। बाबा जी, शंकर को और भंगा क्यों कहा जाता है? शंकर को भंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पार्ट को कोई समझ नहीं सकता। क्या शंकर माने मिक्स? कितनी आत्माएं मिक्स होकर के पार्ट बजाती हैं? तीन आत्माएं मिक्स होकर के पार्ट बजाए रही है। कृष्ण की आत्मा भी प्रवेश कर जाती है जो अपन को भगवान समझती है, शिव की आत्मा भी प्रवेश है जो वास्तव में भगवान है, और राम वाली आत्मा का शरीर तो है ही है, जो दुनिया की सबसे जास्ती पतित आत्मा है। तो तीनों आत्माएं चैतन्य में है या कोई जड़ है? तीनों चैतन्य में है। तो तीनों चैतन्य में है, तीनों अपना अपना पार्ट बजाएंगी, इकट्ठा पार्ट बजाएंगी,
या अलग 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 टाइम पर पार्ट बजावेंगे? तो तुम बच्चे नहीं समझ पाते हो। लेकिन बाबा ने डायरेक्शन क्या दिया है? बाबा ने मुरली में इस संबंध में कुछ डायरेक्शन दिया है? तुम सदैव समझो शिव बाबा ही डायरेक्शन देते हैं, तो तुम्हारा कल्याण ही होगा, तुमको शिव बाबा ही याद रहेगा। बाबा कैसे माने कि प्रजापिता ब्रह्मा सबसे प्रसिद्ध? कैसे माने प्रजापिता ब्रह्मा का सबसे प्रसिद्ध आपको? हाँ, शिव बाबा किस में आता है? पतित में आएगा या पावन में आएगा? पावन में क्यों नहीं आएगा? वो तो पावन है, तो उसमें कैसे आएगा? है तो पावन, और सब एक जैसे पावन है क्या? सब काम हो है, सब काम हो। इस दुनिया में कोई पावन है? है, इस दुनिया में पावन कोई नहीं है। तो शिव बाबा पावन में आता ही नहीं, किस में आता है? जो सबसे बड़े से बड़ा काम ही कांटा है उसमें आता है। वो ही सुधर जाएगा तो फिर वो सबको सुधार लेगा। उसकी पहचान क्या है? वो बिगड़ जाता है तो सबको बिगाड़ देता है। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। और ये नेपाल के सुदूर पश्चिम प्यूठान में स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग द्वार ही पड़ेगा नेपाल में। प्यूठान जिला है, जिला है, वहाँ पर स्वर्ग द्वार, स्वर्ग द्वार, स्वर्ग का द्वार गेट, गेट बोलते हैं भक्ति मार्ग। उसका क्या उस स्थान का नाम क्या दिया? स्वर्ग द्वार, स्वर्ग द्वार, स्वर्ग द्वारी। लेकिन वो नेपाल में है। नेपाल में प्यूठा जिला, जिला सभा में प्यूठा, प्यूठाव, ठाव माने स्थान, प्यू माने बाप, जो सबका बाप है उसका ठाव, ठाव माने स्थान, तो वही तो स्वर्ग का द्वार होगा। और उस आश्रम में बाबा रुचि रुचि पूजा होती है, रुचि पूजा, उस तीर्थ स्थान है स्वर्ग के नाम पर, उसमें रोज रुद्र पूजा होती है, रुद्र की पूजा होती है। तो समझ लो स्वर्ग का ठाव कहाँ होगा? वो हद की बात है, बेहद की बात है, है? तो बेहद की बात है, उन्होंने वो स्थूल ठाव बना दिया है, स्थूल नेपाल में बना दिया है। हद के नेपाल की बात है या बेहद के नेपाल की बात है? नेपाल माने नई दुनिया की पालना करने वाला, नई दुनिया की पालने करने वाला कोई तो संगठन दुनिया में होगा जो सतयुग को स्थापन करेगा, वो ही नेपाल हो गया। गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं, फिर बाप दादा क्यों बोलते हैं? बाप माने शिव बाबा और दादा माने ब्रह्मा बाबा। लेकिन शिव बाबा ने मुरली में बोला है, तुम बच्चे मेरे को जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो हम बच्चों के बीच में ब्रह्मा वाली आत्मा ज्यादा याद करने वाली है, याद की धारणा ज्यादा करने वाली है या कम धारणा करने वाली है? कम धारणा करने वाली है, ज्यादा याद की धारणा करने वाली है। इसलिए जब ज्यादा याद करता है ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी में प्रवेश किए हुए, तो उसके साथ है या नहीं है? शिव बाबा साथ है,
इसलिए बाप दादा कहा जाता है। बाकी ऐसे थोड़े ही है कि हम लोग याद करते हैं तो हमारे में शिव बाबा प्रवेश है, नहीं, न ब्रह्मा बाबा में प्रवेश है न हम में प्रवेश है। याद करने से कोई प्रवेश थोड़े ही हो जाता है जो बाप दादा कहा जाए, फिर तो सब बाप दादा हो गए, सब याद करते हैं, कोई कम याद करता है कोई ज्यादा याद करता है, तो सब बाप दादा हो गए, नहीं, न ब्रह्मा बाबा बाप दादा। गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं तो उस समय भी नहीं कहेंगे बाप दादा वास्तव में, लेकिन सिर्फ मान लिया जाता है कि ब्रह्मा बाबा हम बच्चों के मुकाबले ज्यादा याद में रहते हैं, इसलिए साथ में हम मान लेते हैं, मान लेते हैं, इसीलिए तो हम वाणी को भी मानते हैं। गुलजार दादी के द्वारा जो वाणी निकलती है ब्रह्मा बाबा की, हम उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्यों मानते हैं? इसीलिए मानते हैं कि जब गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं तो विशेष याद में रहते हैं। याद में रह करके जो वाणी चलती है वो वाणी मुरली के वाणी, मुरली की वाणी की खिलाफत में नहीं हो सकती। कोई मुरली का ऐसा वाक्य है जो अव्यक्त वाणी को काटता हो, या अव्यक्त वाणी का कोई ऐसा वाक्य है जो मुरली के महावाक्यों को काटता हो? नहीं। बाकी फर्क तो स्पष्ट देखने में आता है मुरली में और अव्यक्त वाणी में, क्या फर्क है? मुरली ज्ञान की वाणी है, ज्ञान सागर सुनाता है, और अव्यक्त वाणी धारणा की वाणी है। धारणा भगवान में होती है या देवताओं में होती है? तो देवताओं में पहला देवता कौन? गणेश जी। तो उनकी धारणा की वाणी है। बाबा एक बात अभी मुझे अनुभव हुआ है, बच्चों के आगे अव्यक्त जो बोलते हैं वो कमजोर जैसा दिखने लगा है, बोले ब्रह्मा बाबा। हाँ, बच्चों के आगे कमजोर होता है, बच्चों के आगे कमजोर ये करे, हम बच्चों के सामने ब्रह्मा बाबा कमजोर दिखता है। अव्यक्त वाणी बोलते पहले पहले अभी में थोड़ा फर्क। हाँ, अभी थोड़ा बच्चों के आगे कमजोर दिशा मुझे अनुभव, वो अपना कमजोर फील कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा जो पानी चलक है चलक समय मतलब कमजोर दिखाई पड़ते हैं, पहले से आगे कमजोर दिखाई। उनका सूक्ष्म शरीर टूटता जा रहा है या मजबूत होता जा रहा है? टूटता जा रहा होगा दिशा, पहले से अभी जैसे कमजोरी बना। जैसे स्थूल शरीर पहले शिशु होता है, सतो प्रधान होता है, और बाद में बूढ़ा हो जाता है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर भी पहले पावरफुल होता है और धीरे धीरे टूटता जाता है। तो वो सूक्ष्म शरीर समाप्त होता जा रहा है और आत्मिक स्टेज बढ़ती जा रही है। हाँ जी, दिखाई पड़ने लगा। हाँ जी, बाबा ये दुनिया की शुरुआत किसने की और क्यों की? दुनिया की शुरुआत कभी नहीं होती है और इसका अंत भी नहीं होता है। आत्मा का जैसे कभी नहीं बनती है और कभी खत्म नहीं होती है, ऐसे ही दुनिया भी कभी बनती नहीं है, शुरू नहीं होती है और कभी अंत नहीं होता है। जैसे परमपिता परमात्मा भगवान कभी बनता नहीं है और कभी बिगड़ता नहीं है, उसकी आदि नहीं है अंत नहीं है। ये प्रकृति के पांच तत्व पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश ये कभी बनते नहीं है, बिगड़ते भी नहीं है, इनका आदि नहीं होता है और इनका अंत भी नहीं होता है।